साहब पादयात्रा शुरू करके आज तीसरे साल में आज जा रहे हैं। उस ये पादयात्रा एक ऐसी पादयात्रा थी कि कोई आज तक पॉलिटिकल लीडर नहीं कर सका। 3,650 किलोमीटर तक जो है वो चलते रहे, सारे हमारा आंध्र प्रदेश स्टेट रियासत के हर मंडल को टच करते हुए, हर जगह के आदमी से मिलते हुए, ताकि उनके मसले मसाहिल समझ सकें। जब उनको ये सारे मसले मसाहिल रीजन के हिसाब से समझ में आए तो ही जो है वो अच्छी तरीके से गवर्नेंस दे सकते हैं। बल्कि उनका एक एजेंडा था, बहुत मुश्किल काम था, ये नामुमकिन काम दिख रहा था, मगर उन्होंने करके बताया। आज उसी का फल है कि पिछले एक साल से अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश स्टेट में, तो जो मैनिफेस्टो है उसमें नवरत्नालु जो स्कीम्स रखा गया है, जो बेसिक पब्लिक को उनके सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन से को सपोर्ट करने के लिए, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में, वुमेन एम्पावरमेंट में, ये सारे चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ पुअर एंड डाउन ट्रॉडन क्लासेस के बारे में आप देखेंगे। आज आंध्र प्रदेश स्टेट में थोड़ा सा फाइनेंशियल डिफिसिट रहने के बावजूद हम लोग मैक्सिमम जो है हमारे पब्लिक का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हुए आगे लेकर चल रहे हैं। उसी तरीके से दूसरी तरफ डेवलपमेंट के ऊपर काम चल रहा है कि किस तरीके से हमारे पोर्ट्स को हम ये कर सकें, डेवलप कर सकें, एयरपोर्ट्स को कैसा कर सकें, रोड नेटवर्क को कैसा कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसा डेवलप कर सकें, इंडस्ट्रीज़ को कैसा ला सकें। उसी तरीके से हमारे पास कैपिटल नहीं है तो कैपिटल को जो है हम किस तरीके से डेवलप करें। अमरावती एक जगह के ऊपर, वहाँ पर पैसा इतना ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा स्टेट के पास उतनी सख्त नहीं है 1,00,000 करोड़ रुपए देकर अमरावती को इतने छोटे हिस्से को डेवलप कर सकें, वो भी 1,00,000 करोड़ रुपए में उतना डेवलपमेंट नहीं होगा। ये सोचकर ही जो है 3 कैपिटल के बारे में भी बोले हैं। तो हमारा रीजन जो कर्नूल है, कर्नूल में भी जो है जुडिशियल कैपिटल आएगा तो जो है डेवलपमेंट कैटलिस्ट हो जाएगा, डेवलपमेंट आएगा यहाँ पर, ये रीजन में जॉब्स आएंगे। उसी तरीके से वाइज़ाग वो नेचुरली जो है सी शोर है, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, तो वहाँ पर जो है उसको हम लोग एग्जीक्यूटिव कैपिटल की तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे, और अमरावती को जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल के ऐसा, मैंने ये सारे चीज़ें पब्लिक के पैसे को पब्लिक के लिए सही तरीके से सही जगह के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए करें हैं। आने वाले 10 दिन हम लोग फिर से पब्लिक के करीब जा रहे हैं ताकि उनके मसले मसाइल समझ सकें और उनके बीच में रहकर उनके लिए काम कर सकें।